हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ETF क्या होते हैं और ETF में हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपना करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारा पैसा कई गुना हो जाए, यानी कि हमें उसके अंदर वेल्थ अच्छी खासी बन जाए। तो ये वीडियो होने वाला है कि मैं आपको इसके अंदर 5 ऐसे बेस्ट ETF बताऊंगा जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपनी एक वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा एक इंट्रो वीडियो दे देता हूँ कि ETF बेसिकली होते क्या हैं, क्योंकि कई सारे लोग इस वीडियो में नए जुड़ रहे होंगे। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि हम एक्सचेंज पे जस्ट स्टॉक की तरह ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जैसे कि हमने कोई यूनिट बाई की, म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं हम लोग, या फिर म्यूचुअल फंड में हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप जब मार्केट खत्म हो जाता है उसके बाद में फाइनल NAV आती है, यानी कि नेट असेट वैल्यू आती है हर म्यूचुअल फंड की NAV आती है, और उसके हिसाब से मान लीजिए इसकी NAV आई 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये आती है, और हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो 1000 रुपये डिवाइडेड बाई 10 रुपये यानी कि 100, यानी कि हमको 100 यूनिट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, ये होता है मार्केट खत्म होने के बाद में। लेकिन ETF में क्या होता है कि ETF में हम स्टॉक की तरह ही हम इसके अंदर बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब ETF में बेसिकली क्या होता है, बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई BSE का या निफ्टी 50 का, ठीक है ना, इनके क्या बने होते हैं, ETF बने होते हैं, जो कि इनको लेकर के इनको ध्यान में रखते हुए बनते हैं। जैसे इसका ETF हो सकता है, निफ्टी 20 है, इसका ETF हो सकता है, ठीक है ना, इसके ETF होते हैं। तो इनके जो ETF होते हैं, अब सीधी बात है कि निफ्टी 50 के हम ETF की बात करेंगे, निफ्टी 50 यानी कि इस निफ्टी 50 के अंदर टोटल कितनी 50 कंपनीज होती हैं, ठीक है, 50 कंपनीज होती हैं, जैसे कौन कौन सी हो सकती है, रिलायंस होती है, आपकी ICICI बैंक हो सकती है, एक्सिस बैंक होती है, यानी कि देश की 50 टॉप कंपनियां इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर होती है। अब इसके पर्टिकुलर आपको एक एक स्टॉक को बाई करोगे तो भाई आपको प्रॉपर रुपए चाहिए, यानी कि 1400-1500 रुपये का इसका स्टॉक है, यानी कि आपको इसमें पैसा लगाना पड़ेगा फिर इसके लिए। तो यानी कि आपको एक एक स्टॉक बाई करोगे निफ्टी 50 के तो आपको बड़ा अमाउंट चाहिए। तो क्या करते हैं ETF में, इनका एक ग्रुप बना दिया भाई कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो इसको हमने क्या बना दिया, एक ETF बना दिया। और बेसिकली ETF जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि आपने क्या टाइम नहीं देना ज़्यादा, आपने एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर आपने SIP या लमसम कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट होता चला जाता है, आपको टाइम नहीं देना है। लेकिन यदि आप टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। मैंने जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जब भी आप मान लीजिए निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मार्केट क्या ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट ऊपर गया नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, बाई कर दीजिए, ऊपर चला गया मत कीजिए, नीचे आ गया फिर बाई कर लीजिए, फिर ऊपर चला गया यहाँ पे मत कीजिए, नीचे आ गया यहाँ पे बाई कर लीजिए। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैंने आपको बहुत तरीके से बताया था। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल फंड और ETF में, डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली दो डिफरेंस मैं आपको मुख्यतः बताता हूँ, जो मेन मुख्य इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। पहली बात ये होती है कि ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, क्या ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपका बहुत कम होता है। कितना होता है, 0.02% या 0.07%, ऐसे एक्सपेंस रेशियो होते हैं इसके ETF के। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप देखोगे, म्यूचुअल फंड में भी एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, आपका 0.68% जैसे कि स्मॉल कैप वगैरह होते हैं ना, लेकिन हम म्यूचुअल फंड के अंदर बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे ना, तो हम ETF को इंडेक्स फंड से कंपेयर करेंगे, और ETF के इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंसेस होता है वो कितना होता है, 0.2%, 0.4%, इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं इंडेक्स फंड के अंदर वो ये होते हैं। अब बात क्या है, एक तो आपका एक्सपेंसेस हो गया, यानी कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है प्लस एक्सपेंसेस भी कम है, तो हम क्यों इसमें ना इन्वेस्ट करें। मैंने बोला ना कि अगर आप एफर्ट्स लगा सकते हैं तभी आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको डेली का पैसा अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो आप वो बैठे रहिए, ऑटोमेटिकली SIP करते रहिए, आपका टाइम नहीं है। तो अगर आपका टाइम है डेली के टाइम है आपके पास, 2 से लेकर 5 मिनट तक है आपके पास, 2 से लेकर 5 मिनट तक आपके पास हैं डेली के, तो आप इससे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। अब चूंकि आप, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वही बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और सारी चीज़ें रिपीट हो जाएगी। तो मैंने एक्चुअली आपसे बोला था कि मैं आपको 5 ETF बताऊंगा जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि पहला ETF बता रहा हूँ आपको, निपॉन इंडिया ETF है। पहला ETF क्या है आपका, निपॉन इंडिया
ETF, निपॉन इंडिया ETF, एक सेकेंड, निपॉन इंडिया ETF, निफ्टी PSU, बैंक बीज, ठीक है आपका ये हो गया। सेकेंड नंबर कौन सा है, कोटक निफ्टी ETF, ठीक है सेकंड ये हो गया। थर्ड आपका कौन सा है, आपका थर्ड है आपका मोतीलाल ओसवाल, ठीक है S&P, BSE, एनहेंस वैल्यू ETF, ठीक है जी। चौथा आपका हो गया, फोर्थ हो गया आपका मीराई असेट NYSE, फैंग ETF, राइट। पांचवा आपका हो जाएगा भारत 22 ETF। तो दोस्तों कुछ ETF आप देख लीजिए, ये ETF हैं कुछ जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आप, लेकिन फिर भी आप अपने अगर आप कभी भी ETF को किसी भी ETF को चूज़ करना है तो आप खुद से भी रिसर्च कीजिएगा, खुद से पता कीजिएगा कौन सा ETF बेटर है कौन सा नहीं है। आप कुछ ये देखिएगा कि जिस ETF में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, ठीक है ना। ETF भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होते हैं, निफ्टी 50 का होता है आपका, BSE की स्मॉल कैप के भी ETF होते हैं, मिड कैप के ETF होते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी स्मॉल कैप ETF को चूज़ किया है तो उसके अंदर हाई रिस्क रहेगा, आपने निफ्टी 50 ETF को सेलेक्ट किया है, इसका मतलब आपकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ की, आपका रिस्क यहाँ पर कम है, तो आप अपने रिस्क हिसाब से भी चूज़ कीजिएगा। और किसी भी ETF को आप लेते हो तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि उसमें वॉल्यूम कितना है, यानी कि जस्ट लाइक आप मान लीजिए आपने चूज़ ये कर लिया, सपोज आपने ये चूज कर लिया और इसके अंदर आप बाई सेल कर रहे हो, यानी कि जस्ट लाइक स्टॉक की तरह आप बाई और सेल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कंपनियां होंगी, कंपनी ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी, यानी कि उनका बंच बना दिया मान लीजिए, और इनके अंदर आपने क्या कर लिया, इसको आप बाई करोगे तो यानी सारी कंपनियां आपकी हिस्सेदारी इंक्लूड होगी। तो जब इसको आप बाई सेल कर रहे हो तो आपने मान लीजिए आज बाई कर लिया, ठीक है बाई कर लिया, लेकिन जब आपको सेल करना है, आज ही सेल करना है, एक दिन बाद सेल करना है, एक साल बाद सेल करना है, तो इसके अंदर बायर भी तो होने चाहिए, यानी कि जब भी आप कहीं बाई करते हो तो इसके अंदर देखिएगा वॉल्यूम भी इसके अंदर होना चाहिए, यानी कि लोग इसमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर लोग ट्रेड कर रहे हों, बाई सेल कर रहे हों, कभी तो आप बाई और सेल कर पाओगे। अब आपने बाई की चीज़ रख ली है, सेल करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ पे बायर ही नहीं है कोई, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वॉल्यूम भी हमेशा चेक करना है। अब आपको चलते चलते एक चीज़ और बता दूँ, सपोज दैट जैसा कि मैं रिवीजन कर देता हूँ आपको, पहले जो वीडियो मैंने बताया था कि मान लीजिए आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं पूरे महीने के अंदर, आप 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, 20 का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि करीब 20 दिन ही ट्रेड हो पाती है महीने भर में, ठीक है, तो आपका 1,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि आपको 1,000 रुपये डेली इन्वेस्ट करना है इसके अंदर मार्केट के अंदर। तो मान लीजिए अगर आपने निफ्टी 50 के किसी एक ETF में सोच लिया है कि भाई निफ्टी 50, चलिए मैं SBI के निफ्टी 50 के अंदर, SBI निफ्टी 50 ETF के अंदर पैसा लगाने वाला हूँ, तो आप क्या कहिए, इसको ट्रैक कीजिए, और कब ट्रैक करना है, 3 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक ट्रैक करना है इसको, PM ट्रैक कीजिए कि भाई क्या चल रहा है स्थिति। इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी 2-3 मिनट के लिए बैठ जाइए मोबाइल पर, सिस्टम पर कभी भी, और देख लीजिए कि भाई ये वाला ETF है, या सीधा ये देखिए, सीधी बात है कि BSE सेंसेक्स गिर गया है आज कि नहीं गिरा है, या आपका जो निफ्टी 50 है, अगर आपका निफ्टी 50 का है तो निफ्टी 50 देख लीजिए वो आज गिरा है कि नहीं गिरा है, आपको जैसे लगता है कि वो गिरा है भाई, आज 0.5% गिरा है, 0.2% गिरा है, 1% गिरा है, जब भी आपको गिरने वाली नॉलेज मिलती है डेली देखिए कि गिरा है कि उठा है, तो जब भी गिरा है आप क्या करोगे, 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, और जिस दिन नहीं गिरा है उस दिन का पैसा अगले दिन इन्वेस्ट करोगे। अगर मार्केट गिर जाता है तो मान लीजिए लगातार 3 दिन नहीं गिरा तो 1,000, 1,000, 1,000, 3,000 कितने हो गए आपके पास, इन्वेस्ट नहीं किया, चौथे दिन मार्केट गिर गया तो 1,000, 3,000 ये हो गए, और 1,000 उस दिन का, यानी 4,000 पे पूरे इन्वेस्ट कर दीजिए उस दिन, तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे। और हमेशा एक चीज़ देख लीजिएगा, मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है, आप सोचा ना कि मार्केट ऐसे जाएगा सीधा, ऐसे नहीं जाता है मार्केट कभी भी, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, मार्केट जब नीचे आ रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, बाई करना है ETF के अंदर, इससे आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा वेल्थ बना सकते हो, और जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप इसमें सेल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ETF के अंदर क्या होता है, सबसे अच्छी बात कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है,
इस पर पूरा कंट्रोल आपका होता है। म्यूचुअल फंड में किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, ये आप डिसाइड करते हो? नहीं, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कहाँ कौन सी कंपनी में कितना पैसा लगाना है और कब पैसा निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ETF में आपका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल आपका है। टोटल 50 कंपनियाँ हैं, मान लीजिए अगर निफ्टी 50 के ETF की बात करता हूँ तो टोटल 50 कंपनियाँ हैं, उन 50 कंपनियों में हिस्सेदारी आपकी होगी। आपको कितना बाई करना है आप पे डिपेंड करता है, कितना सेल करना है आप पे डिपेंड करता है, यानी कि फुली कंट्रोल आपके हाथ में रिमोट होता है। आप इसको कैसे भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऑपरेट आप नहीं करते हो, म्यूचुअल फंड मैनेजर ऑपरेट करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो, जैसे कि जो मैंने बताया, देखो भाई सीधी बात है कि जो बंदा एक्स्ट्रा टाइम देगा ना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा, सीधी बात है उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आप टेंशन नहीं लेने जाते हो तो ठीक है, आपको जो परसेंटेज मिलेगा मिलेगा। लेकिन ETF में क्या है, आपको एक्स्ट्रा डेली के एफर्ट लगा सकते हो, एफर्ट्स लगा सकते हो डेली के, कि मार्केट जब गिरेगा, जैसे देखते हैं ना, इसमें आपको जरा दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं ना कि एक वन डे मार्केट क्या है, आज गिरा नहीं है मार्केट, आज मार्केट चढ़ गया है 0.5% चढ़ गया है, 0.570% चढ़ गया है, देखिए यहाँ पे। तो जब भी ये रेड में देखे, यहाँ पे क्या देखे, रेड में देखे कि भाई 0.2% गिर गया, 0.5% गिर गया, 1% मार्केट गिर गया, तभी आपको क्या करना है, ETF में बाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हो तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे, एक्स्ट्रा माल कमाओगे और आपकी वेल्थ भी अच्छी खासी हो जाएगी। और जो भी मैंने आपको ETF बताए हैं ना, इनके अंदर आप अगर आप देखोगे एक एक साल दो दो साल के अंदर 100% 150% तक के आपको प्रॉफिट मिले, 200% तक के प्रॉफिट मिले हैं। और एक्स्ट्रा अर्निंग आप यहाँ से और कमाओगे कि 2% गिर के तल लगाया ये, तो इससे आपकी और अर्निंग एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके मन के अंदर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।